वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्ट। आज हम वर्कशीट 29 करने जा रहे हैं, मैथ की वर्कशीट है। आज का जो टॉपिक है वो कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल रहने वाला है। अगर हिंदी मीडियम का कोई बच्चा सुन जाए तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दे सकते हैं, आपको हिंदी की वीडियो सीधा मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल कब होगी? जब इन रूल को अगर वो फॉलो कर जाएगा तब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो ट्रायंगल या दो फिगर्स को हम तभी कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जब उनकी शेप सेम होती है और उनका साइज सेम होता है। ठीक है, तो अगर हम पहले रूल की बात करें SSS, तो SSS तब रूल होता है जब दो ट्राइंगल में तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड के इक्वल हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेड वाली साइड रेड वाली साइड के इक्वल है, ये येलो वाली साइड येलो वाली साइड के इक्वल है, और ग्रीन वाली साइड के इक्वल है। दोनों की वैल्यू सेम है। अगर तीनों साइडों के इक्वल है दोनों ट्राइंगल में, तो हम उसको SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है SAS वाला है, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर दो साइडों के बीच वाला एंगल और दो साइडों के बीच वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल में अगर इक्वल आ जाता है तो उसे हम SAS से कॉन्ग्रुएंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 सेंटीमीटर और जो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इनके बीच में 40 डिग्री का एंगल है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर भी 3 और 5 सेंटीमीटर के बीच में 40 डिग्री का एंगल है, क्योंकि दो साइडों के बीच में एंगल है, इसलिए ये दोनों बराबर है। ठीक है, और SAS रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बराबर इसलिए क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो ASA वाला रूल है। इसका मतलब ये होता है कि दो एंगल के बीच में अगर साइड है और अगर वो इक्वल है तो उसे हम ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट करते हैं। बच्चों, कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इससे हम ये बता रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल में जो है साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। ठीक है, अगर तीन चीजें इक्वल होती है तो बाकी हर चीज सेम पाई जाती है। उसके बाद है RHS वाला। RHS में क्या होता है कि अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसके सामने वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो R से क्या है राइट, तो दोनों ट्राइंगल में राइट मतलब 90 डिग्री है, और एस से क्या हाइपोटेनस, तो दोनों में हाइपोटेनस जो है वो इक्वल है, और तीसरा एस मतलब उस दोनों ट्राइंगल की जो कोई भी एक जो साइड बची हुई है वो अगर इक्वल है तो हम उसको RHS रूल से कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की, तो उसमें भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का है, और ये जो 90 के सामने वाली जो लाइन होती है उसको हाइपोटेनस कहा जाता है। तो ये जो हाइपोटेनस है इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की इक्वल है, इसलिए आरएचएस। आपको ये पहचानना होगा कि कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ लगेगा। अगर तीनों साइड के बराबर है तो SSS है, अगर दो साइडों के बीच में एंगल वाला बराबर है तो उसे SSS बोलेंगे, अगर दो एंगल के बीच में साइड वाला बराबर है तो उसे ASA बोलेंगे, अगर 90 डिग्री दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखी है और एक और साइड दे रखी है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के इक्वल है, तब हम उसे RHS कहेंगे। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं पहचान पाए तो आप गलत कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल भी होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है दो एंगल और एक साइड भी होती है, तो वहां पे बच्चे RHS लिखाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि RHS वाली फिगर बन रही है। फिगर को नहीं देखना, कंसेप्ट को देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी फिगर भी तो आप देखोगे ही, तो फिगर के बिना आप करोगे कैसे? ठीक है, तो उसके बाद हमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला गया कि एक ट्रायंगल दे रखे, इनमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है और कौन सी प्रॉपर्टी या कौन से रूल से वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो ट्रायंगल है JKL, ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट है नहीं। ऐसे ही GIH भी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं है। अब कौन कौन से ये मैंने मेंशन कर दिए आंसर में, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आप देख सकते हैं, लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कम बच्चों को पता होती है। देखो, जब हम दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे होते हैं तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि जैसे हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं ABC, अगर मैं ABC और दूसरा ट्राइंगल मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वाला है, जैसे आप बता सकते हैं वो कौन सा ट्राइंगल है, आपको मैं आंसर में दिखाता हूँ, ONM वाला है, तो आप ONM यहाँ ढूंढ लीजिए वो कौन सा था, ये वाला। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ 8 सेंटीमीटर है, यहाँ 8 सेंटीमीटर है। तो अब बच्चे कहेंगे देखो RHS वाला रूल लग गया कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज दे रखा है, हाँ ठीक है, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, राइट है, और साइड भी दे रखी है, ठीक है, ऐसे, तो इस तरीके से RHS बन रहा है, ठीक है, आप ये लिख दोगे। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो आंसर लिखते हैं ABC है और यहाँ पर ONM में लिख के MNO लिख देते हैं। आपको पता है मैंने ONM ही क्यों लिखा है, क्योंकि तो आप ध्यान से देखो ये जो AB हमें दे रखा है, आप फिगर में देखिए
ए बी, ये जो ए से बी पे हम 90 की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही ओ से एन की तरफ 90 की तरफ जा रहे हैं। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपको दूसरे ट्रायंगल की वही चीज लिखनी है। अगर आपने यहाँ पर तो ए भी लिख लिया, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने ओ एम ले लिया, तो आपका गलत हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि अगर इस ट्रायंगल में आप जिस साइड को शुरू में लिख रहे हैं तो आपको दूसरे ट्रायंगल की वही साइड लिखनी है, ठीक है, ताकि वो हर तरीके से बराबर हो, नहीं तो वो गलत माना जाता है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ देखो, जब आप दो शुरू के सही लिख लेते हैं तो बाकी अपना सही हो जाएगा। अब आप मैच कर लो, जैसे यहाँ पे बी सी ले रहे हैं तो, और यहाँ पर क्या है ओ एन एन एम, है ना। तो अब चेक करो बी सी और एन एम क्या है। यहाँ से देखो बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और ऐसे ही एन एम जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये जो बी है वो 90 से आगे बढ़ रही है, ऐसे एन भी 90 से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब बाकी जो चीजें भी है वो क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। तो ये लिखने का ढंग भी सही होना चाहिए। बाकी आपको पता तो लग गया आर कैसे, ऐसे ही। उसके बाद जो आप बाकी के ट्रायंगल देखेंगे तो आप देख सकते हैं, अपने आप कर लेना। मैं फिर भी बता देता हूँ कि डीईएफ और एसयूएफ में कौन सा रिलेशन बन रहा है, आप फिगर को देख के अच्छे से पहचान लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने आंसर लिख दिया, आप मैच कर लेना। फिर ऐसे एस रूल आएगा सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में ए ऐसे रूल आएगा। क्यों आएगा ऐसे, क्योंकि दो एंगल के बीच में साइड है और इसमें दो साइड के बीच में एक एंगल है। इस तरीके से मैंने तीनों क्वेश्चन समझा दिए, इसको अच्छे से बता दिया ताकि आपको पता लग जाए कि डीई के बाद डीई अगर हमने यहाँ लिखा है तो ऐसे ही वहाँ पे हमने क्यों लिखा है, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, मुझसे इस प्रकार जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।